हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हो गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे देखना, आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो कि मैं रेलवे की तैयारी करूं, बैंकिंग की करूं, एसएससी की करूं, किस किस चीज़ की तैयारी करूं, या मैं अपने स्टेट में तैयारी करूं, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है आप लोगों को। तो इस टाइम पे अगर आपकी ये अप्रोच रही कि भैया मुझे तो ये वाला एग्जाम करना है, ये करना है, वो करना है, तब तो आप कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ आप एसएससी जीडी पे पढ़ जाओ तो एसएससी जीडी पे ही पढ़ जाओ, दूसरे फॉर्म ना भरो। अगर आप एसएससी कैटेगरी में है तो आप एसएससी के दूसरे फॉर्म भी भरोगे, और अगर आप रेलवे कैटेगरी में हो तो ऐसा नहीं है कि आपने एलपी भर दिया तो आप जेई नहीं भरोगे, और ग्रुप डी दोबारा आ गया तो ग्रुप डी नहीं भरोगे, भरोगे तो सारे के सारे। इसलिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करो और एक बार उस चीज को कंप्लीट कर लो। अभी मैं मान के चलता हूं आप लोगों का शेड्यूल है जनवरी 2023 में, और टोटल वैकेंसीज आप लोगों की 24,000 है, और बहुत अच्छा चांस होता है, क्योंकि हर किसी से ये रेस, ये जो फिजिकल है ना 5 किलोमीटर का 24 मिनट में कंप्लीट करना, ये हर किसी की बात नहीं है, ये ग्रुप डी का फिजिकल नहीं है, ये बहुत अच्छे खासे लेवल का फिजिकल होता है। इसलिए अगर आपने 2 महीने बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, और मतलब अपने आप को समेटना होगा आपको, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने से कुछ नहीं होगा। इस टाइम पे अगर आपने समेट के पढ़ाई नहीं की ना, जैसे हमने लास्ट टाइम पे ग्रुप डी की तैयारी की थी ना, उस तरह से आप लोगों को अपने आप को समेटना होगा, और पूरी तरीके से 2 महीने आप लोगों को झोंक देना है, और उसके बाद आप लोगों का प्री हो ही जाएगा। प्री क्या मतलब, यही सब कुछ है। आप लोगों का एक बार एग्जाम हुआ नहीं, फिर तो आप फिजिकल की तैयारी में जुट जाना। तो गाइज, इस टाइम पे ये वाली चीजें नहीं चलेंगी कि भैया बस टालम टाली चल रही है कि आज हो ये हो गया, कल वो कर लिया, ऐसे काम नहीं होगा। आपको पूरा डेली रूटीन के साथ तैयारी करनी होगी। 2 महीने का समय मैं मान के चलता हूं 2 से 2.5 महीना आप लोगों के पास है, और आप बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। इस एग्जाम में सबसे जो खास बात है वो ये, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन को करने के लिए 45 सेकंड्स मिल रहे हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, पहले 100 क्वेश्चन करने होते थे 90 मिनट में, 54 सेकंड का टाइम मिलता था एक क्वेश्चन को करने का। आप ये समझिए कि लगभग 10 सेकंड का समय आप लोगों का कम कर दिया गया है। तो आप ये तो अपने दिमाग से ख्यालात निकाल ही देना कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। टाइमिंग कम हुई है, क्वेश्चन बढ़े हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि पेपर का लेवल वही रहेगा लगभग लगभग, थोड़ा सा रीजनिंग में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप लोगों का टाइप भले ही चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। और इस पेपर के लिए बस सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार मैं यही कहूंगा, अगर आपने पूरे 80 क्वेश्चंस देख लिए इस पेपर को सॉल्व करते समय, तब भी आप लोगों की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होंगी कि आप सिलेक्शन ले लो। और इसी के सिमिलर एग्जाम हो जाएगा एएलपी वाला, क्योंकि उसमें भी 75 क्वेश्चंस करने हैं, कितने मिनट में, 60 मिनट में। फिर भी आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भैया जिस तरह से ग्रुप डी में क्वेश्चंस आए थे बहुत बड़े बड़े, या ये ग्रुप डी में भी देखिए मैथ्स बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, रीजनिंग में थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस बार रीजनिंग में मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस दे रखे हैं, रीजनिंग में थोड़ी सी चीज़ें आपको उस तरह की मिलेंगी कि जैसे कथन निष्कर्ष से रिलेटेड यूपी पुलिस में क्वेश्चंस पूछता है ना, या पैराग्राफ दे देगा फिर नीचे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। बाकी इसमें ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो दिया है, आप एक बार सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। आपको सबसे पहले तो आपको यही करना है कि हार्ड कॉपी में जाके आपको अपना सिलेबस निकाल के लेके आना है, 2 पेपर में। आप उस सिलेबस को निकाल के लेके आइए, फिर उस सिलेबस की एक एक लाइन को अंडरलाइन करके देखिए कि हाँ भाई क्या क्या चीजें सिलेबस में दी गई हैं, क्या नहीं दी गई हैं, फिर उसमें अंडरलाइन करिए कि ये वाली चीजें मैंने कंप्लीट कर रखी हैं पहले से, इन पे बस मुझे रिवीजन करना है, और जिन चीजें जो चीजें बच रही हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो चीजें बच रही हैं उन पे अंडरलाइन करिए कि मुझे ये वाली चीजें करनी है और बाकी चीजें मेरी कंप्लीट है, उनको मैं रिवाइज करूंगा अपने पुराने नोट्स से। तो ये 2 तरीके आप लोगों के पास है। अगर कोई बच्चा 0 से भी स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर उसने दिल लगा के तैयारी कर ली, तो 2 महीने उसके लिए इनफ है। अगर मौज मस्ती में तैयारी करना चाहोगे, तो आपको पता है कि 2 महीने का टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। अगर आप मौज मस्ती करते हुए पढ़ाई करोगे, या आप सोचते हो कि पुराने ढर्रों से चलूंगा 15 दिन में या 10 दिन में सिर्फ टाइम एंड वर्क पूरा करूंगा, तब तो कुछ ना हो पाएगा भाई। आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड इसको समय देना होगा, कम से कम 6 घंटे 8 घंटे। अगर आप 6 से 8 घंटे दे देते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि रीजनिंग को अगर मैं मानता हूं, अगर आप 1 घंटा भी डेली देंगे ना, 1 से 1.5 घंटा, तब भी आप काम कर लेंगे। देखिए 45 मिनट का किसी का लेक्चर देखिए जो आपको सजेस्ट किया जाएगा, या अगर आप टारगेट फॉलो करेंगे तब भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप एक लेक्चर देख लीजिए, उसके साथ साथ
जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ फिर उसकी प्रैक्टिस आप या तो एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट की कर लीजिए या अपना प्रैक्टिस कर लीजिए आप अपनी बुक से, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। रोज डेली एक फुल टेस्ट लगाना, आप रोज डेली भी ना लगाओ तो दो दिन तीन दिन बाद एक टेस्ट लगाना, लेकिन वीक में कम से कम तीन टेस्ट या दो टेस्ट जरूर से जरूर लगाने हैं, जिसके टेस्ट हम लोग भी प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को, बेस्ट से बेस्ट टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। जब आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट लगाना, पुराने जो टेस्ट लगे पड़े हैं सब कुछ हो रखा है उन सारी चीजों को मत देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार सारी चीजें आप लोगों को करना। प्रीवियस ईयर कंपलसरी है, एक प्रीवियस ईयर लगाओ और बाकी चीजें लेटेस्ट टेस्ट के अनुसार आप लोगों को करनी होंगी, बड़ी ही आसानी से आप लोग ये चीजें कर जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार मैं बोल रहा हूं कि पूरा पेपर देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी होगा। बात कर लेते हैं रीजनिंग मैथ्स की, तो देखिए रीजनिंग के अगर आपके नोट्स बने हुए हैं देन आप अपने नोट्स से उस चैप्टर को कंप्लीट करिए डेली, हमारे साथ टारगेट्स में भी उन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, टारगेट्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप रीजनिंग कंप्लीट करिए और फिर उसके बाद अपने जो भी प्रैक्टिस करनी है आप उसकी प्रैक्टिस करिए। लेक्चर कंप्लीट करने के लिए आप यूट्यूब से देख सकते हैं, अपने नोट्स से देख सकते हैं, कहीं से भी देखिए। ज्यादा से आपको लगता है जब आपके पास 60 दिन है आपको लगता है कि 30 चैप्टर भी रीजनिंग के अंदर है, 30 चैप्टर भी नहीं है जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, 30 चैप्टर तो बहुत ज्यादा बोल दिए, एक चैप्टर को दो दिन दोगे मोर देन इनफ है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ्स की, सेम हाल मैथ्स का है। मैं तो कहूंगा कि एक बार रिविजन के लिए किसी ना किसी टीचर की वीडियो, पुरानी वीडियो बहुत पड़ी है, मैथ्स चेंज नहीं होता, जो नंबर पहले से लिखा है वही चीज है, कुछ नया नहीं आ जाएगा। आप समझिए कि मैथ्स में बहुत ज्यादा अलग चीजें आ जाएंगी, मैथ्स वो का वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो आप अगर कहीं से भी टाइम एंड वर्क कर रहे हैं बस टाइम एंड वर्क के आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, बाकी आप टेस्ट लगाओगे आपका काम हो जाना है। तो गाइस ये रहा आपका मैथ्स का फंडा, इसी तरीके से आपको मैथ्स कंप्लीट करनी है। जीए जीएस जीके देखिए इसमें जब भी पेपर TCS करा रही है या कोई भी कंपनी करा रही है, आजकल सारी कंपनियों का एक ही फंडा हो गया है कि वो क्या कर रही है, करंट अफेयर्स, जैसे करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन, अभी रूस यूक्रेन बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो स्टैटिक जीके भी उससे रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। और बाकी जो स्टैटिक जीके है परमानेंट वाली, जैसे पार्क हैं और मंदिर हैं और संस्कृति, आजकल कल्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, त्योहारों से रिलेटेड, तो ये वाली चीजें तो आप लोगों को एक बार याद करनी है। जो दो महीने का समय है डेली टारगेट्स के माध्यम से भी उन चीजों को कंप्लीट कर लोगे, आप अपने टारगेट्स बना लीजिए चाहे हमारे साथ फॉलो कर लीजिए, जो आपका मन करता है वो करिए, लेकिन अगर आप डेली के टारगेट्स कंप्लीट करते चलेंगे, टारगेट्स में बस यही होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, जैसे अच्छी बात बताइए स्कूल क्यों जाता है आदमी, स्कूल या कहीं भी आप जाते हो ट्यूशन, उससे क्या होता है, आप लोगों का डिसिप्लिन में आ रहते हो ना, आप लोग अनुशासन में रहते हो, आपको पता है कि अगर ये चीज कल को आज करके नहीं गए तो कल को पिटेंगे या कल को हमें इसकी सजा मिलेगी, इसलिए आप बच्चों के साथ साथ तैयारी करते जाते हो और साल के अंत में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक यही है, आपको डेली सिलेबस कंप्लीट करना है जो टारगेट्स के माध्यम से आप कर सकते हो, आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि यार मुझे आज इतना सारा कंप्लीट करना है, अदरवाइज होगा क्या, अभी किताब खोलोगे फिर ये वाली बंद कर दोगे फिर दूसरी खोलोगे फिर ये खोलोगे, बस यही होता रहेगा। तो गाइज ये आप लोगों को जीके जीएस के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा, एक तो आप स्पीडी की करंट ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स की बुक आपके पास होनी ही चाहिए, उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, होनी चाहिए, कम से कम आप लोगों का करंट वाला पोर्शन तो कंप्लीट होगा ही होगा। साथ में आप लोगों को जो चीजें स्टैटिक जीके में करवाई जाएंगी, पॉलिटी बहुत ज्यादा आती है, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर आता है, वो वाली चीजें आप लोग जरूर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, बस इतना मोर देन आप लोगों के लिए इनफ होगा। और इस 25 में से आप लोग कम से कम 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कराओगे उतने के बेस पे ही, क्योंकि 10 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको करंट जीके के ही मिलेंगे। और बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की, तो गाइज ये आप लोगों के लिए रहने वाला है क्या, हिंदी में डेली वोकैब करिए। देखिए एक टॉपिक पढ़िए कंप्लीट, जैसे मान लीजिए आज आपका मन कर रहा है कि भैया मैं आज जो चैप्टर पढ़ूंगा संधि पढ़ूंगा, तो संधि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप 3 दिन दे दीजिए। अगर आपको कल को जो चैप्टर है जैसे संज्ञा से लेके अव्यय तक जाना है, तो आपको लग रहा है कि ये चैप्टर बड़ा है इसको समझ के पढ़ना है, आप 2 दिन दे दीजिए 3 दिन दे दीजिए, जो चैप्टर बड़े हैं उनको ज़्यादा टाइम दे दीजिए, और जो चैप्टर छोटे हैं जैसे समास है, समास वाला क्या है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए आपका काम खत्म हो गया, आप किसी की वीडियो से समझ लो, चाहे आप अपना लेक्चर खुद से देख लो, चाहे अपने नोट्स देख लो, जहां से आपका मन करता है उस चीज को कंप्लीट कर लो। तो गाइज ये आप लोगों को करना है डेली, एक टॉपिक आप हिंदी का कंप्लीट करिए, जब हम टारगेट देंगे तो उसमें भी देंगे ही, और डेली बुकैब जरूर कंप्लीट करना। आप बुकैब का मतलब है कि जैसे
एक अनेक शब्दों का एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, ये वाली चीज़ें आप लोग डेली करते चलिएगा। इन्हीं की वजह से बच्चों के नंबर कट जाते हैं। अगर आप डेली करते जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। हिंदी तो बहुत कम है, हिंदी का सिलेबस भी बहुत कम है, जिसके लिए 60 दिन मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड करवा ही देंगे, बाकी कुछ हो या ना हो, टारगेट्स तो डेली चलेंगे ही क्योंकि ALP की प्लानिंग चल रही है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।